हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जय जोहार। मैं हूं सोमेश और मैं कर रहा हूं 500 डेज अक्रॉस द इंडिया। 500 दिनों की इस भारत यात्रा में फिलहाल हम लोग जा रहे हैं माजुली आइलैंड। तो हुआ कुछ ऐसा, हम लोग पीछे चलते चलते आ रहे थे और ये दोनों मिल गए हमको और इन्होंने भाई साहब लिफ्ट दी हमको और यहाँ तक छोड़ दिया। गुड नेम, माय नेम इज देवोजानी, हिज नेम इज अंकित। ओके, वी बिलोंग टू जोहार ओनली, वी आर लोकली फ्रॉम हियर ओनली। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लिफ्ट। पूरा अभी देख ही रहे हैं कि मतलब हर जगह लोग बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। मजुली में देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एक आप लोगों का मिलेगा समुगुई का सत्र मिलेगा। हाँ, मतलब जो हमारा ये सब नाटक वगैरह करते हैं ना, सब इसमें भावना बोलते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। जो लाइव एक कथा सुनाते हैं ना, ओके, वो फेस वगैरह ये पहन के मुकुट वगैरह सब देखने के लिए। जो जो हमारा मतलब असम का ट्रेडिशन है ना, जी ट्रेडिशन एकदम निकल निकल के आएगा। ओके, तो मतलब ऐसा है कि दो तीन दिन रुक सकते हैं हम लोग आराम से एक हफ्ता गुजर जाएगा, कहीं नहीं चलेगा वहाँ, आराम से रह सकते हैं। जैसे आप लोगों को कैंपिंग वगैरह पसंद है ना, तो आप लोगों को इधर से उस तरफ ही जाना चाहिए, मतलब डिब्रूगढ़ और पासीघाट अरुणाचल में जो प्लेस है ना, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, उधर कैंपिंग करके बहुत ज्यादा मजा आता है, एकदम रिवर साइड के एकदम आसपास, बहुत ज्यादा। हम लोग इसीलिए इधर आए कि यहाँ पर रिवर साइड पे ही हमारी कैंपिंग चल रही है। नॉर्थ ईस्ट अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर होने लगा है, बट बहुत ज्यादा को अभी भी नहीं पता। सबको पता है मेघालय, पता है अरुणाचल, पता है बीच के ये जो जगह है ना, बीच में बहुत नागालैंड और मतलब आर्मी लोग चोर के जाते हैं, पता ही नहीं चलता वो भी है। रवाना होंगे ना फेरी में, निमाती घाट बोलते हैं। जैसे हमारा कोई ऐसे बाहर आने का मन करता है ना, हम इसी निमाती घाट पे आके बाइक लेके आके बैठ जाते हैं, घंटे घंटे हम लोग कभी भी निकल जाते हैं, रात को देर बजे चल बाहर घूम जाते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट पहुँच जाते हैं, सुबह वापस आते हैं। मम्मी भी अब तक थक गई होगी बता के कि तुम लोग। वैसे हम लोग हस्बैंड वाइफ है ना, ओके, बट हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मतलब एक ही स्कूल में पढ़ते थे, जब 3 साल से थे ना तभी पढ़ते थे, जब बड़े हो गए तो कर ली सगाई शादी सब, अभी वो फीलिंग ही नहीं आती कि हस्बैंड वाइफ है। एक होता है ना, हम जैसे फ्रेंड्स थे ना, हम पहले बेस्ट फ्रेंड्स थे, फिर अभी हम बने हस्बैंड वाइफ, बट अभी वो फीलिंग वो बेस्ट फ्रेंड्स वाली ही है कि तू जा रहा है मैं भी जाऊँ, पर हमारे मुंह से तुम भी नहीं निकलता है, हम तू तू करके ही बात करते हैं। बचपन से वो आदत हो गई है ना, इसलिए आदत हो गया है। आपकी लड़की से शादी कर लो। अरे सच में बहुत, अरे माजुली में बहुत सुंदर लड़कियां हैं, मतलब जब से हम नॉर्थ ईस्ट आए ना, इतनी ब्यूटीफुल लड़कियां यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में, और एक रियलिटी बनो मिलेंगे। और ये जो पानी है ना अभी, तो ये बहुत शैलो है, मतलब जब ये अभी बारिश का सीजन आएगा मई में, तो इधर तक पानी आ जाता है, ये रास्ता रास्ता ही दिखता है, मतलब ये दुकानें वगैरह जो जो भी कुछ है ना उठ जाते हैं, इधर से उठा देते हैं सब, मतलब मई का महीना जो होता है ना वो बहुत इन लोगों के लिए बहुत कठिन होता है, इधर तक पानी आ जाता है, और ये जो जो लोग इधर बसे हुए हैं ना बहुत सारे घर, वो सब मतलब उनको इवैक्यूएट कर दिया जाता है कुछ किसी अच्छे प्लेस में। तो भाई साहब बिना टिकट के नहीं जा सकते ना, तो इन लोगों ने हमें मतलब लिफ्ट तो दी ही, साथ में ये टिकट भी कटवा दी भाई माजुली तक की। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। अरे नाइस टू मीट यू टू। भाई जाना हम लोग पहले ये लगेंगे चेक करके आ रहे हैं लोग, बोट डूब रही है कि नहीं डूब रही है। बाय 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 बाय। Bye.
वेलकम टू द माजुली आइलैंड। भाई साहब वर्ल्ड्स बिगेस्ट आइलैंड है, मतलब रिवर आइलैंड है ये, और यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हमें पता नहीं है जाना कहाँ है। वो इसकी टिकट जो लगती है वो लगती है पर पर्सन 15 रुपीज़ अगर आप विदाउट व्हीकल आते हैं तो। व्हीकल के साथ अलग अलग चार्जेस हैं बाइक और कार के, तो वो आप यहाँ आकर काउंटर पर पूछ सकते हैं। तो फिलहाल अब निकलते हैं एक आश्रय की तलाश में, मतलब एक जगह ढूंढनी है जहां हम अपना टेंट लगा सकें। तो चलिए फिलहाल हम लोग अब निकलते हैं आगे टाउन की ओर और माजुली आइलैंड पहुंच गए। और पहुंचने के बाद हमने एक जगह भी डिस्कवर कर ली। ये देखो यहां पर पूरा ऐसा बांस के पत्ते पत्ते गिरे हुए हैं और फिलहाल हम लोग यहां पर करने वाले हैं कैंपिंग। तो सेटअप अपना निकाल रहे हैं दीपक भैया और आज रात हम लोग करेंगे यहाँ पर कैंपिंग। थोड़े सामने वो जो होटल, हमने वहाँ पर खाना वाना खा लिया फिलहाल, और ये लगा रहे हैं बैग। ये होटल वाले भैया हैं और ये देखिए मतलब बहुत ही शानदार जगह है। तो वो भैया अपना कैमरा सेटअप करने में लगा।